इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने एप्पल की नकली एसेसरीज बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में एप्पल की नकली एसेसरीज जब्त की है और इस पूरे मामले में 6 दुकान संचालकों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया है। पिछले दिनों विजयनगर पुलिस को एप्पल कंपनी के मैनेजर विशाल जड़िया ने इस बात की जानकारी दी थी कि आपके थाना क्षेत्र की 6 से अधिक दुकानों से एप्पल कंपनी से संबंधित नकली एसेसरीज उपभोक्ताओं को बेची जा रही है। इसी सूचना के आधार पर इंदौर के विजयनगर पुलिस ने विजयनगर क्षेत्र में मौजूद बालाजी मोबाइल शॉप, गुरु मोबाइल शॉप, अपेक्स मोबाइल शॉप, M2H मोबाइल शॉप से नकली सामान बेचा जा रहा है, ये जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जांच पड़ताल के दौरान बड़ी मात्रा में एप्पल कंपनी के मोबाइल से संबंधित विभिन्न तरह के एसेसरीज जिसमें चार्जर, मोबाइल कवर व अन्य एसेसरीज को एप्पल कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा था तथा इस पूरे मामले में पुलिस ने इन सभी दुकानों से बड़ी मात्रा में एप्पल कंपनी की नकली एसेसरीज जब्त की। इस पूरे मामले में दुकान संचालकों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया और पूरे मामले की काफी बारीकी से जांच पड़ताल भी की जा रही है। वहीं जिन दुकान संचालकों के वहां पर बड़ी मात्रा में एप्पल कंपनी की नकली एसेसरीज जब्त हुई है, वो दिल्ली से इन एसेसरीज को बुलवाते थे और फिर उसे इंदौर में एप्पल कंपनी के नाम से बेच दिया करते थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस मोबाइल दुकान के संचालकों से कड़ी पूछताछ कर रही है और जल्द ही पुलिस और दुकान संचालकों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई कर सकती है। ये विशाल जड़िया है जो कि एप्पल की कंपनी में काम करते हैं, अहमदाबाद से आए। इनके द्वारा विजयनगर पुलिस से संपर्क किया गया था। विजयनगर पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए 6 दुकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बालाजी है और गुरु है, एपेक्स मोबाइल है, M2H है, MS मोबाइल, इस तरह से कुल मिलाकर 6 मोबाइल की कंपनी जो शॉप है उन पर कार्रवाई की गई, जिसमें कि इसमें आईपैड की कवर है और इसमें इसके अलावा मोबाइल की कवर है जिसमें एप्पल के लोगो लगा हुआ है। इसके अलावा उनके जो वायर है इसका सीधी चार्जर है, इसके अलावा इनका और भी जो एसेसरी होती है उन वो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो इसमें कॉपीराइट एक्ट के तहत इन 6 जो मोबाइल की दुकान के संचालक हैं उनके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत थाना विजयनगर में कार्रवाई की गई है, FIR रजिस्टर की गई है। इसमें मोबाइल नहीं, बेसिकली जैसा कि मैंने बताया मोबाइल की एसेसरीज मिली है, एप्पल के मोबाइल की एसेसरीज, चाहे वो मतलब कवर हो उसके, चाहे वो चार्जर हो या फिर जो ईयरबड जो होते हैं, उस तरह की कार्रवाई की गई।